नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर एसएसपी ने दो हत्याकांड का किया खुलासा, तीन अपराधी गिरफ्तार, हथियार बरामद। बिहार सरकार के कृषि मंत्री पहुंचे भागलपुर, प्रशिक्षण शिविर में लिया हिस्सा। किसान आंदोलन में विपक्ष पर साजिश रचने का लगाया आरोप। स्कूल की फीस माफी को लेकर अभिभावकों ने स्कूल के समक्ष दिया धरना, प्रबंधन पर मनमानी करने का लगाया आरोप। हत्या मामले में भागलपुर कोर्ट ने आरोपी को सुनाई उम्र कैद की सजा, 23 वर्ष बाद आया फैसला। और 3 दिवसीय कृषि मेला सह उद्यान प्रदर्शनी का हुआ आयोजन, आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर कृषि संबंधित उत्पादों की लगाई गई प्रदर्शनी। अब समाचार विस्तार से। भागलपुर में अपराधियों की धरपकड़ तेज हो गई है। बीते दिनों हुए आपसी रंजिश को लेकर पंकज चौधरी हत्याकांड मामले में बबरगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इसको लेकर गुरुवार को जिला पुलिस कप्तान निताशा गुड़िया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी शुभम सोनार की गिरफ्तारी की जानकारी दी। एसएसपी ने कहा कि पंकज और शुभम के बीच पूर्व से ही विवाद चल रहा था, जिसको लेकर पंकज की हत्या की बात सामने आ रही है। इसके अलावा अकबरनगर थाना क्षेत्र स्थित सुशांत कुमार शिवम से लूटपाट और हत्या मामले का भी खुलासा एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। एसएसपी ने कहा कि सिटी एसपी पूरन कुमार झा के नेतृत्व में गठित एसआईटी की टीम ने अभियुक्त दारा मियां और मोहम्मद लाल को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामले के उद्भेदन के बाद एसएसपी ने कड़ी हिदायत देते हुए कहा कि जिले में आपराधिक गतिविधियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 5 नवंबर 2020 को सुशांत कुमार शिवम की लूट कर हत्या कर दी गई थी, तो इस कांड में आज एक बहुत बड़ी उपलब्धि की गई है। जो इसमें जो मेन अभियुक्त था दारा मियां, उसकी गिरफ्तारी की गई है अवैध हथियार के साथ, और उसी की निशानदेही पे एक और अभियुक्त जो है मोहम्मद लाल, उसकी भी गिरफ्तारी की गई है। दोनों अपराधियों ने अपनी संलिप्तता इस कांड में होने को स्वीकार किया गया है। जनवरी को बबरगंज थाना अंतर्गत पंकज चौधरी की आपसी रंजिश में हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में जो इसके नामजद अभियुक्त है शुभम सोनार, इसकी भी गिरफ्तारी की गई है, और ये वहां पे जो है इन दोनों के बीच में पूर्व से ही एक विवाद चला आ रहा था, जिसके कारण इनके द्वारा बताया गया कि पंकज चौधरी की हत्या कर दी गई है साजिश के अंतर्गत। भारतीय जनता पार्टी भागलपुर जिला कार्यालय में केंद्रीय प्रशिक्षण विभाग की ओर से क्षेत्रीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। जिलाध्यक्ष रोहित पांडे के नेतृत्व में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रसाद सिंह समेत कई नेताओं ने संगठन की मजबूती और प्रखंड क्षेत्रों में संगठन विस्तार करने पर बल देते हुए अनुशासन के साथ कार्य करने की बात कही। साथ ही संगठन द्वारा तय किए गए अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारियों का पालन करने और जनता के भरोसे पर खरा उतरने की बात कही। प्रशिक्षण कार्यक्रम में बिहपुर विधायक कुमार शैलेंद्र, नभय चौधरी, प्रीति शेखर, श्वेता सिंह समेत काफी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। हम सब यहाँ प्रशिक्षित हो रहे हैं। तो बैठक में किस तरह के निर्णय पर चर्चा हुआ? निर्णय पर चर्चा नहीं हो रही, हम यहाँ जिज्ञासु हैं, हम ज्ञान प्राप्त करने, पंचायती राज व्यवस्था क्या है, FPO क्या होता है, संगठन कैसे चलता है, समाज कैसे चलता है, इन सब विषयों पर हम चर्चा करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों कृषि कानून को किसानों के हित में बताते हुए बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि किसान आंदोलन राजनीतिक साजिश के तहत की जा रही है। भागलपुर परिषदन में कृषि मंत्री ने बताया कि किसान बिल के खिलाफ चल रहे आंदोलन पर विपक्ष पूरी तरह राजनीति कर रहा है। इधर भागलपुर में कृषि मंत्री का स्वागत गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल, नाथनगर के पूर्व विधायक लक्ष्मीकांत मंडल, विनय सिंह निषाद समेत कई लोगों ने बुके देकर किया। वहीं बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र कुमार से मुलाकात कर VIP के जिलाध्यक्ष विनय सिंह एवं निषाद विकास संघ के जिलाध्यक्ष कामदेव प्रसाद ने किसानों और मछुआरों की समस्या उनके समक्ष रखी। कोरोना महामारी के कारण पैदा हुई आर्थिक परेशानियों को लेकर निजी स्कूल प्रबंधन के खिलाफ अभिभावक लगातार आंदोलन कर रहे हैं। दरअसल निजी स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि स्कूल प्रबंधन उन पर लगातार फीस जमा करने का दबाव बना रहा है। गुरुवार को समस्या निवारण समिति की ओर से सेंट जोसेफ स्कूल के समीप क्लास नहीं तो फीस नहीं की मांग को लेकर धरना दिया गया। वहीं धरना से पूर्व अभिभावकों ने जब स्कूल के प्रिंसिपल से भेंट करने की इच्छा जताई,
तो प्रबंधन ने मिलना तो दूर बल्कि ज्ञापन भी स्वीकार नहीं किया, जिससे आक्रोशित समिति के सदस्यों और अभिभावकों ने शांतिपूर्ण धरना देकर विरोध जताया। बता दें कि समस्या निवारण समिति के बैनर तले अभिभावक पिछले दिनों माउंट कार्मेल और माउंट असीसी जूनियर स्कूल के बाहर भी फीस माफी को लेकर धरना दे चुके हैं, लेकिन सभी स्कूल प्रबंधन ने अभिभावकों की मांग को अनसुना कर आवेदन भी नहीं लिया। वहीं समिति के कार्यकारी मंत्री नरेंद्र कुमार चौबे ने धरना के माध्यम से स्कूल प्रबंधन से मांग करते हुए कहा कि कोरोना काल के कारण अभिभावक आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, लेकिन स्कूल प्रबंधन फीस लेने की बात पर टस से मस नहीं हो रहा है। साथ ही कहा कि क्लास नहीं तो फीस नहीं की बात को मानते हुए स्कूल प्रबंधन फीस माफ करे, जिससे सामान्य रूप से शैक्षणिक गतिविधि शुरू हो सके। निवारण समिति की ओर से हम लोग सेंट जोसेफ स्कूल में एक दिवसीय धरना पर हम लोग बैठा हूँ, जिसमें कोविड-19 के दौरान जितने भी अभिभावक के जो भी अभिभावक हैं जो स्कूल की जो फीस के लेकर के हम लोगों ने इस संबंध में बैठक की है। हम लोगों की मांग है कि स्कूल नहीं तो फीस नहीं। 23 वर्ष पूर्व हुए एक हत्या के मामले में भागलपुर कोर्ट ने गुरुवार को आरोपी लेघु यादव को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि 23 वर्ष पूर्व भागलपुर जिले के अकबरनगर थाना क्षेत्र में रमेश शाह की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पीड़ित परिवार लगातार 23 वर्षों तक न्याय की आस देखता रहा। वहीं पीड़ित परिजनों ने न्यायालय के इस फैसले का सम्मान किया है। आज करीब 23 वर्षों पूर्व मेरे पिताजी की हत्या हो गई थी, जिसका आरोपी लेधु यादव था, और आज 23 वर्षों के बाद उनका फैसला आया है, जो उनको आजीवन कारावास मिला है, जिससे हमारे पूरे परिवार में खुशी है। भागलपुर कृषि कार्यालय परिसर में आत्मा द्वारा आयोजित 3 दिवसीय किसान मेला सह कृषि उद्यान प्रदर्शनी के दौरान विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किसान मेला में मत्स्य पालन, बकरी पालन, फल सब्जी एवं मशरूम समेत कृषि से संबंधित कई तरह के उत्पादों के स्टॉल और प्रदर्शनी किसानों ने लगाए, जिसे देखकर प्रदर्शनी में आए लोगों ने उसकी सराहना की। वहीं जिला कृषि पदाधिकारी कृष्णकांत झा ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में स्वरोजगार को बढ़ावा देने और युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए किसान मेला लगाया गया है। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन समेत समेकित कृषि प्रणाली से जुड़े कई कार्यक्रम विभाग द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिससे आत्मनिर्भर बनकर युवा और महिलाएं बेहतर मुकाम हासिल कर सके और दूसरों को भी रोजगार उपलब्ध करा सके। बता दें कि शुक्रवार को बिहार सरकार के मंत्री प्रदर्शनी में लगाए गए उत्पादों के चयनित किसानों को पुरस्कृत करेंगे। मौके पर आत्मा के उप परियोजना निदेशक प्रभात कुमार सिंह समेत विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और किसान मौजूद रहे। 3 दिवसीय किसान मेला सह उद्यान प्रदर्शनी प्रतियोगिता, बकरी पालन, मुर्गी पालन, बटेर, कई तरह की प्रदर्शनी यहाँ लगाई जाएगी इस मेला में। और इस बार के मेला का सबसे बड़ा खासियत यह होगा कि इस मेला का उद्घाटन हमारे जो प्रबुद्ध किसान हैं, जो अच्छे इनोवेटिव फार्मर हैं, उन्हीं लोगों के द्वारा हम लोग कल इस मेला का विधिवत उद्घाटन कर रहे हैं। और माननीय मंत्री 29 तारीख को जो अच्छे प्रदर्शन आएंगे यहाँ, उसको हम लोग माननीय मंत्री के क्रमखंडों द्वारा पुरस्कृत करेंगे। पीरपैंती रेफरल अस्पताल में मॉडल टीकाकरण केंद्र एवं दंत चिकित्सा केंद्र का शुभारंभ फीता काटकर पीरपैंती के विधायक इंजीनियर ललन कुमार के द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरा संकल्प इस अस्पताल को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करवाना है। उन्होंने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर शुकेश कुमार तथा प्रबंधक प्रणव सिंह से कहा कि ऐसी व्यवस्था रखे ताकि अस्पताल के चिकित्सक तथा कर्मी सभी ड्यूटी के समय अपने निर्धारित लिबास में रहे, ताकि आम आदमी तथा कर्मियों में अंतर पता कर सके। उन्होंने कहा कि कोविड का टीका जल्द ही इस अस्पताल में उपलब्ध होगा, जिसको पहले स्वास्थ्य कर्मियों के बीच लगाया जाएगा। इसके पहले अस्पताल पहुंचने पर अस्पताल के प्रभारी तथा प्रबंधक प्रणव सिंह के नेतृत्व में कर्मियों ने बुके देकर उनका स्वागत किया तथा एक मांग पत्र सुपुर्द किया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग,
ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की जन्मदिन को लेकर गुरुवार को टीम केके की ओर से कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी की मौजूदगी में केक काटकर समर्थकों ने निशिकांत दुबे के दीर्घायु होने की कामना की और गरीब एवं जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। वहीं कार्यक्रम को लेकर कुश पांडे ने कहा कि भागलपुर में जन्म लेकर गोड्डा में सांसद बनकर क्षेत्र का विकास करने वाले निशिकांत दुबे ने देश में अपनी अलग पहचान बनाई है, जो अंग क्षेत्र के लिए सम्मान की बात है। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने अंग पुत्र निशिकांत दुबे के समर्थन में नारेबाजी की। अंग के पुत्र गोड्डा के सांसद माननीय निशिकांत दुबे भैया के आज जन्मदिन के अवसर पर स्थानीय गौशाला परिसर में आदरणीय तिलका मांझी विश्वविद्यालय के कुलपति एवं कई पार्षदगण और सम्मानित भागलपुर के बुद्धिजीवियों के साथ मिलकर हम लोगों ने केक कटिंग का कार्यक्रम किया, साथ ही साथ जरूरतमंद असहाय लोगों के बीच कंबल वितरण का कार्य किया। वहीं पीरपैंती में गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे का 52वां जन्मदिन पीरपैंती के दक्षिण मंडल अध्यक्ष निशांत पांडे के नेतृत्व में बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस वर्ष आईएमए बिहार का वार्षिक सम्मेलन देवघर में आयोजित हुआ, जिसमें डॉक्टर अमरकांत झा अमर को नया अध्यक्ष बनाया गया। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह एवं नवनियुक्त अध्यक्ष ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर डीपी सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा। इसके साथ उन्हें आईएमएम अकादमी का लगातार चौथी बार बिहार अध्यक्ष भी चुना गया। गौरतलब हो कि वर्तमान में डॉक्टर डीपी सिंह भागलपुर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के चेस्ट मेडिसिन विभाग में अपनी सेवा दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में कई उत्कृष्ट कार्य भी किए हैं। वहीं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलने के बाद वरीय चिकित्सक प्रोफेसर डीपी सिंह ने आईएमए का आभार प्रकट करते हुए मेडिसिन के क्षेत्र में नए अनुसंधान को बढ़ावा देने की बात कही। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन युवा प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष भागलपुर के संजीत कुमार सिंह को बनाया गया है। बता दें कि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संगेश कुमार भाटी ने सरमसपुर निवासी सामाजिक कार्यकर्ता संजीत को प्रदेश अध्यक्ष के लिए मनोनीत किया है। वहीं प्रदेश के युवा प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी मिलने के बाद संजीत कुमार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन के संस्थापक का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य गरीब और असहाय लोगों की सहायता करना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन भारत की ओर से जो मुझे नई जिम्मेवारी बिहार प्रदेश अध्यक्ष के रूप में युवा प्रकोष्ठ से जो दी गई है, इसका मैं बखूबी से निर्वहन करूंगा और हमारा उद्देश्य होगा कि गरीब और असहाय लोगों की मदद करना सबसे पहला और फिर बाकी सबका साथ सबका विकास। पीरपैंती में मानव श्रृंखला की सफलता को लेकर सुंदरपुर स्थित हाउस में जिला एवं प्रखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पूर्व राजद विधायक रामविलास पासवान ने बताया कि महागठबंधन की बैठक मानव श्रृंखला की तैयारी को लेकर की गई और 30 जनवरी को राजद एवं महागठबंधन के नेता एवं कार्यकर्ता मानव श्रृंखला में शामिल होंगे। वहीं राजद प्रखंड अध्यक्ष रंजीत कुमार शाह ने 30 जनवरी को किसानों के समर्थन में आयोजित मानव श्रृंखला में शामिल होने की अपील की। आज जो है महागठबंधन का बैठक है और 30 तारीख को जो मानव श्रृंखला होना है उसी की तैयारी के लेकर के बैठक है महागठबंधन का। जैसा कि आपने पहले से तय है प्रदेश से जो है कार्यक्रम जो मानव श्रृंखला का किसान ये जो काला कानून, तीन काला कानून जो किसान विरोधी ये कानून जो लाया गया है इसके विरोध में आप देख रहे हैं कि 2 महीना से जो है लगभग किसान जाकर के जो है रोड पर जो है बैठा हुआ है। बांका जिले के अमरपुर में एसडीएम मनोज कुमार चौधरी, एसडीपीओ दिनेश चंद्र श्रीवास्तव एवं सीओ स्वाति कृष्णा के नेतृत्व में अतिक्रमण स्थल को मुक्त कराया गया। गुरुवार को दोपहर अचानक अधिकारियों का काफिला जेसीबी वाहन के साथ शहर के इलाका गोला चौक पर पहुंचा और माइकिंग कराकर दुकानदार को अतिक्रमण किए गए स्थल को खाली करने का निर्देश दिया।
गोला चौक, पुरानी चौक एवं बस स्टैंड पहुंचकर अधिकारियों ने अतिक्रमण स्थल को खाली कराया। इस दौरान वीडियो राकेश कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक राजीव रंजन, रामाशंकर सिंह समेत काफी संख्या में पुलिस बल एवं नगर पंचायत के कर्मी उपस्थित थे। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर परमेश्वर लाल खेमका सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बौंसी में झंडोत्तोलन कर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रदेश सचिव प्रदीप कुमार कुशवाहा, स्थानीय प्रबंध कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष शंकर सिंह, सचिव राजीव कुमार सिंह एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य संजीव कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। साथ ही झंडोत्तोलन अध्यक्ष शंकर सिंह के द्वारा किया गया। झंडोत्तोलन के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम में सर्वप्रथम विद्यालय की बच्चियों के द्वारा मार्शल आर्ट की प्रस्तुति के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया, जिसके बाद छात्राओं के द्वारा देशभक्ति गाने पर सामूहिक डांस गायन, छोटी बच्ची के द्वारा इंग्लिश और संस्कृत में स्पीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तम प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। अब अंत में चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर SSP ने 2 हत्याकांड का किया खुलासा, 3 अपराधी गिरफ्तार, हथियार बरामद। बिहार सरकार के कृषि मंत्री पहुंचे भागलपुर, प्रशिक्षण शिविर में लिया हिस्सा। किसान आंदोलन में विपक्ष पर साजिश रचने का लगाया आरोप। स्कूल की फीस माफी को लेकर अभिभावकों ने स्कूल के समक्ष दिया धरना, प्रबंधन पर मनमानी करने का लगाया आरोप। हत्या मामले में भागलपुर कोर्ट ने आरोपी को सुनाई उम्र कैद की सजा, 23 वर्ष बाद आया फैसला। और 3 दिवसीय कृषि मेला सह उद्यान प्रदर्शनी का हुआ आयोजन, आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर कृषि संबंधित उत्पादों की लगाई गई प्रदर्शनी। आज की बुलेटिन में बस इतना ही, नमस्कार।